आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों का डीए अर्थात महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था। ऐसे में दोस्तों, डीए की 3 किस्तें अभी तक बढ़ चुकी हैं और ये 11% पर पहुंच चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका 11% का डीए कितने हजार रुपए का है और गवर्नमेंट इसे एरियर के रूप में दे देती है तो ठीक, यदि नहीं देती है तो आपको कितने हजार रुपए की हानि उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में ये देखते हैं। और एक बात और बताना यहाँ चाहेंगे, आप वीडियो के लास्ट में एक सूची हमने डिस्प्ले की है, उस सूची में आप अपने ग्रेड पे के हिसाब से बड़ी ही सहजता से आप देख सकते हैं कि आपका डीए 11% के हिसाब से कितना बनता है, अगर गवर्नमेंट देती है तो कितना लाभ और अगर नहीं देती है तो कितने की हानि उठानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस चार्ट में आपको अपने डीए की गणना करने के लिए सबसे पहले ग्रेड पे को देखना होगा। यहाँ पे ग्रेड पे 4200 लिखा है, हमने एक उदाहरण के स्वरूप इसको लिया है। प्राथमिक विद्यालय के एक सहायक अध्यापक का ग्रेड पे 4200 होता है और वो 7th पे कमीशन में लेवल 6 के अंतर्गत आता है। तो आप अपने से संबंधित ग्रेड पे को चाहे 4600 हो तो 4600 वाला पेज ढूंढिए, 4800 ग्रेड पे है तो 4800 ग्रेड पे वाला पेज ढूंढिए। जिससे संबंधित आपका पेज हो सबसे पहले यहाँ आप ग्रेड पे को देख लें। उसके बाद दोस्तों, इसमें दिया क्या है बड़ी आसानी से गणना आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, 7th पे कमीशन के हिसाब से जो आपका बेसिक पे है अर्थात जो मूल वेतन है आपका, वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए किसी अध्यापक का 35400 मूल वेतन है, तो किसी अध्यापक या कर्मचारी का मूल वेतन ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जनवरी 2020 से जून 2020 तक जो 4% की वृद्धि हुई थी, इस मूल वेतन के हिसाब से यहाँ पे जो डीए बनता है वो 8496 रुपया बनता है। लेकिन जस्ट इसके बाद जुलाई 2020 में भी वृद्धि हुई थी, तो जुलाई से और दिसंबर 2020 के बीच में 3% की वृद्धि हुई थी। तो इस प्रकार से ये 4% और ये 3% मिल के यहाँ पे 7% की वृद्धि हो जाती है। ऐसे में 7% के डीए होने से इस मूल वेतन पे आपके 14868 रुपये बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जनवरी 2021 से लेकर और वर्तमान में जून 2021 तक 4% की और वृद्धि की गई थी और ये 4+3+3 =11% टोटल डीए बनता है जो कि फ्रीज किया गया है। तो इस तरह से इस मूल वेतन पे यानी कि 35400 पे 11% डीए आपका 23364 रुपये बनता है। और इस तरह से दोस्तों, जो डीए फ्रीज करने का समयावधि है वो 18 महीने का है। तो इन 18 महीनों में दोस्तों, आपका जो डीए बनता है वो 46728 रुपये का बनता है। तो यदि सरकार इसे एरियर के रूप में आपको देती है तो 46728 रुपये आपको मिल जाएंगे जो डीए हैं, अगर नहीं देती है तो 46728 रुपये की आपको हानि उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से किसी कर्मचारी का मूल वेतन 35400 भी हो सकता है, 36500 हो सकता है, 37600 हो सकता है। तो जिस कर्मचारी का जो भी मूल वेतन बनता है, ठीक उसके सामने वाली पंक्तियों को देखते जाएंगे तो ये चीज़ें ठीक उसी प्रकार से क्लियर हो जाएंगी। आपका डीए कितना बनता है, मिलता है तो कितना लाभ होगा और कितना नहीं मिलता है तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। दोस्तों, चलिए हम 4600 ग्रेड पे के लिए भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रेड पे 4600 आ चुका है और ये 7th पे कमीशन के हिसाब से 7वें लेवल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए, उदाहरण स्वरूप मान ले 5वें क्रम में यहाँ 50500 रुपये आपका मूल वेतन है, तो जो 4% की वृद्धि जनवरी और जून के बीच में हुई थी वो 12120 रुपये बनती है और ऐसे ही 3% की और वृद्धि जुलाई से दिसंबर के बीच में हुई तो वो 7% होता है। इस हिसाब से आपका 21210 रुपये बनता है। इसके बाद जो 3 वृद्धि है, 4%, 3% और 4%, ये कुल मिला के 11% बनता है जून 2021 तक यानी अब तक, तो ये 33330 रुपये की बनती है। इस तरह से दोस्तों, अगर हम टोटल डीए जोड़ लें तो जो लॉस है हम लोग का, अगर एरियर के रूप में इसे नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो 2020 जनवरी से लेके और जून 2021 तक यहाँ पे 18 महीने बैठते हैं और इन 18 महीनों में 50500 रुपये मूल वेतन वाले अध्यापक को या कर्मचारी को 66660 रुपये की हानि होगी अगर इसे एरियर नहीं मिलता है तो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा जानकारी जो दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।